हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, और एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, आप उसको कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आरएमसी के बच्चे हों, चाहे लेटर ऑन एनडीए के बच्चे हों, चाहे वो सीडीएस के बच्चे हों, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप देखना, कुछ हम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। हमारी पहली आइडेंटिटी आपने ये तो पढ़ी होगी बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। बुक्स में आपने ऐसे पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी की पावर 4, तो आपको अब दिक्कत हो जाएगी इसको फाइंड आउट करने में, ठीक है। ए प्लस बी की पावर 3 तक तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन ए प्लस बी की पावर 4 को हम कैसे एक्सपैंड करेंगे, यही चीज हम आज सीखेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। ओके, तो अगर हमें हायर पावर एक्सपैंड करनी है या अगर हमें फॉर्मूलेज या आइडेंटिटीज को याद रखना है, तो एक सिंपल सा तरीका है जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ। ये तरीका है बेटा टॉफी बांटने वाला तरीका, ठीक है। अब आपको दो लोगों में टॉफी बांटनी है और ये तरीका सिर्फ दो लोगों पर ही लागू होता है, इसलिए इन आइडेंटिटीज को हम लोग बाद में 11 12th में एज बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ते हैं। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, एनी एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, जिसमें कितने टर्म्स हो बेटा, टू टर्म्स हो। तो अगर मैं a प्लस बी लिख रहा हूँ, तो a प्लस बी क्या है, बाइनोमियल है, कितने टर्म है इसमें, दो टर्म्स है, एक a है और एक b है। अच्छा, a प्लस बी को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी आएगा। अच्छा, टॉफीज कैसे बांटनी है ये आपको ध्यान में रखना है, आपको a से लेकर b में टॉफीज ट्रांसफर करनी है। सपोज a और b दो इंसान है और a के पास एक टॉफी है, तो वो b पर कैसे ट्रांसफर करेगा, ठीक है, वो मैं एक बार दोबारा आपको लिख के बताऊँ। सबसे पहले a के पास कितनी टॉफीज, 1 टॉफीज, ठीक है, वो आप कहाँ लिखोगे, a के पास कितनी टॉफी, 1 टॉफी, वो आप कहाँ लिखोगे, उसकी पावर पे। अच्छा, B के पास कितनी, उस वक्त B के पास कितनी टॉफीज होंगी, 0 टॉफीज होंगी, ओके। प्लस फिर A के पास, अब A ने टॉफी किसको ट्रांसफर करनी है, B को, दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में A ने ट्रांसफर कर दी तो A के पास 0 बची और B के पास कितनी टॉफीज आ गई बेटा, B के पास 1 आ गई। तो हमने टॉफी A से लेकर B पे ट्रांसफर कर दी, हमारा काम यही है बस, यू हैव टू ट्रांसफर टॉफीज फ्रॉम A टू B बस, ओके। तो ये कितना जाएगा, अच्छा किसी की भी पावर 0, ठीक है, दिस यू शुड नो बेटा, ठीक है, ए की पावर 0 कितना होता है, 1, इवन किसी भी नंबर की पावर 0, 2 की पावर 0 इज आल्सो 1, ठीक है, चाहे कितना बड़ा नंबर हो उसकी अगर पावर 0 है तो आंसर विल बी ऑलवेज 1, ठीक है, ओके। अब मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूं, ए प्लस बी की पावर अगर 2 है, ओके, अच्छा इसको तो हमने आगे सॉल्व ही नहीं करा। अच्छा, इसको देखो, a की पावर 1 कितना होता है, a की पावर 1 इज a ओनली। अच्छा, b की पावर 0, b की पावर 0 विल बी 1, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, a लिखा है मैंने सिर्फ, प्लस a की पावर 0 कितना आएगा बेटा, 1, और b की पावर 1 b, तो a प्लस b आ गया, ये तो सिंपल है। अगर इसी फंडे के साथ ना, इफ आई यूज द सेम फंडा एंड इफ आई एक्सपैंड a प्लस b की पावर 2, पावर को हम लोग डिग्री भी कहते हैं, तो मैं कैसे एक्सपैंड करूंगा, अच्छा कितनी टॉफीज मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 2 टॉफीज फ्रॉम a टू b। तो सबसे पहले a के पास कितनी टॉफीज होंगी, a के पास 2 टॉफीज होंगी और b के पास कितनी टॉफीज होंगी, इस वक्त 0, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब धीरे धीरे टॉफीज b के पास जाएंगी एक एक करके, ठीक है, तो फिर a के पास अब कितनी टॉफीज होगी, 1, क्योंकि a ने एक टॉफी b को दे दी, एक एक टॉफी करके आपको ट्रांसफर करना है, और उस वक्त b के पास कितनी टॉफीज होंगी, b के पास भी 1 प्लस। अब थर्ड स्टेप में a के पास कितनी बची, 0 टॉफीज बची और b के पास सारे 2 की 2 टॉफीज आ चुकी हैं, तो व्हाट यू हैव डन, यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज। अच्छा, a स्क्वायर, यहां पर a स्क्वायर आ जाएगा, b की पावर 0 कितना होता है, 1 प्लस a की पावर 1, b की पावर 1 इज नथिंग बट a * b, तो मैं a भी लिखूंगा, प्लस a की पावर 0 इज 1, यहां पर कितना आ जाएगा, b स्क्वायर। तो ये तो फार्मूला देखा था आपने, लेकिन एक चीज मिसिंग है बेटा इसमें, और उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो मैं यहां वो रेड से लिख रहा हूं, ठीक है, वो आपने याद रखना है, एक तरीका है उसको आइडेंटिफाई करने का, वो हम अभी करेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। अच्छा, अगर आप बोलो सर माइनस में कैसे करूंगा मैं, सपोज अगर माइनस में फॉर्मूला होगा तो ये भी बहुत ईजी है, अगेन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टॉफीज ओनली। अगर a माइनस b की पावर 2 है तो आपने कैसे इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले
ए के पास कितनी टॉफीज हैं, टू टॉफीज हैं, और उस वक्त बी के पास कितनी, जीरो हैं। हमेशा अगर दो टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है तो आप जब एक्सपैंड करेंगे तो जो भी आपके टर्म्स आएंगे उसमें आप पहला प्लस लोगे, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऑल्टरनेट वे में प्लस माइनस चलेगा, इट्स वेरी इजी, ठीक है, रेस्ट इज सेम। तो पहला प्लस है ये टर्म, दूसरा टर्म क्या रहेगा बेटा, माइनस, ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म प्लस रहेगा तो दूसरा टर्म माइनस रहेगा, और फिर थर्ड टर्म जो भी आएगा वो प्लस रहेगा, ठीक है, ओके। सो बीच वाला टर्म तो सेम आ जाएगा, ए के पास कितनी टॉफी, वन टॉफी, और बी के पास भी कितनी टॉफी, वन टॉफी। तीसरे टर्म में ए के पास लास्ट में जीरो बची और बी के पास टू बची, ठीक है, वो मैं अभी लिखूंगा, पहले इसको एक्सपैंड करके लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी की पावर जीरो तो वन होता है, माइनस ए की पावर वन बी की पावर वन इज माइनस ए बी, एंड देन प्लस ए की पावर जीरो इज वन बी स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पर, और कोफिशिएंट एडिशनली आपको ऐड रखना है बीच में, ठीक है, ऐड करना है बीच में, दैट इज टू। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अच्छा, और हम लोग हायर पावर्स करते हैं, ओके। अब ए प्लस बी की पावर कितनी है, थ्री, तो अब हमें थ्री टॉफीज को क्या करना है, ट्रांसफर करना है फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले ए के पास कितनी टॉफीज होंगी, मैक्सिमम थ्री टॉफीज होंगी जितनी है, और उस वक्त बी के पास कितनी टॉफीज होंगी, जीरो, प्लस ए के पास अब कितनी टॉफीज होंगी, एक कम, टू, और बी के पास एक आ चुकी है, प्लस अब ए के पास एक टॉफी कम हो गई तो ए के पास एक बची और बी के पास कितनी आ चुकी है, टू। क्या हम अभी पूरी टॉफीज ट्रांसफर कर चुके हैं, नहीं, अभी सिर्फ बी के पास दो टॉफीज पहुंची है, कितनी पहुंचती है, टोटल थ्री, तो एक और स्टेप आएगा। अब यहाँ पर ए के पास कितनी टॉफीज बचेंगी, जीरो, और बी के पास थ्री, पूरी टॉफीज आ चुकी है, तो ए टू बी टॉफीज ट्रांसफर हो चुकी है। अगर आप हर एक टर्म को बेटा अच्छे से देखेंगे तो यू विल फाइंड, अगर आप डिग्रीज को या पावर्स को ऐड करोगे तो पावर कितनी आएगी, हमेशा थ्री, जो आपको दे रखा है, जिसकी आपने जो फॉर्मूला आपने निकालना है वहां पर डिग्री थ्री देखिए, तो हर एक टर्म में यहाँ देखो, थ्री प्लस जीरो इज थ्री, टू प्लस वन इज थ्री, वन प्लस टू इज थ्री, एंड जीरो प्लस थ्री इज थ्री, तो हर टर्म में पावर कितनी आएगी, थ्री। अच्छा, तो मेरा क्या फॉर्मूला बन गया, ए क्यू बी की पावर जीरो इज वन, प्लस यहाँ पर बन गया ए स्क्वायर बी, प्लस यहाँ पर बन गया ए बी स्क्वायर, प्लस लास्ट वाला बन गया बी क्यू। अच्छा, आपको क्या याद रखना है एक्स्ट्रा, कुछ नहीं, आपने बीच में दोनों टर्म्स में थ्री और थ्री लगाना है, बस। अच्छा, बुक्स में इसी को मॉडिफाई करके देता है, इसी को मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, और जब भी लिख रहा हूँ मैं, और इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ए क्यू के साथ मैंने बी क्यू पहले लिख दिया, प्लस अभी जो बीच के दो टर्म्स हैं बेटा, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, इसमें मैं अगर थ्री ए बी कॉमन ले लूँ, थ्री ए बी एफ आई टेक कॉमन, तो क्या आ जाएगा, पहले में ए आ जाएगा प्लस दूसरे में बी आ जाएगा, तो ऐसा भी आपका फॉर्मूला देता है वो, ठीक है, बुक्स में, लेकिन आपको ये एक्सपेंशन अच्छे से याद रखना है। अच्छा, अगर यही माइनस में होता, अगर a माइनस बी का होल क्यूब मैं पूछूं आपसे, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी के होल क्यूब में आप कैसे एक्सपेंड करोगे इसे, बहुत इजी है, सेम, ठीक है, लेकिन साइन एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, तो मैं इसको एक्सपेंड करके सेम लिख लेता हूँ, पहले ए क्यूब आएगा, फिर थ्री ए स्क्वायर बी आएगा, फिर थ्री ए बी स्क्वायर आएगा, और फिर बी क्यूब आएगा, लेकिन साइन का ध्यान रखना है, साइन क्या होगा, पहला टर्म प्लस, दूसरा टर्म माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं, और करके लिख रहा हूँ, ए क्यूब पहले लिखा मैंने, और बी क्यूब इसके साथ आएगा, तो माइनस बी क्यूब। अच्छा, माइनस थ्री ए स्क्वायर, अभी जो बीच के दो टर्म्स हैं, एक माइनस में एक प्लस में है, तो मैं माइनस थ्री ए बी अगर मैं कॉमन लूँ, तो ब्रैकेट में क्या जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी। आपने कुछ नहीं करा बेटा, व्हाट यू हैव डन, यू हैव टेकन कॉमन, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज बेटा आपको बहुत हेल्प करेंगे फैक्टराइजेशन में, खासकर आरएमसी के स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन में इट विल हेल्प अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनडीए के स्टूडेंट्स में, अभी एनडीए एनडीए के सिलेबस में बाइनोमियल थ्योरम है, तो वहाँ पर उनको ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल बहुत सारे और चैप्टर्स हैं जहाँ पर उनको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारे बच्चों के लिए है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, जितने ग्रेजुएट्स हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनडीए की या सीडीएस की या सीएपीएफ की, उनके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटीज है, ठीक है बेटा, ओके। अब आप बोलोगे सर अगर पावर फोर हो तो आपको एक्सपेंशन आना चाहिए बेटा, एक्सपेंशन आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर पावर फोर हो तो मैं आपको बता दूं, अगर ए प्लस बी की पावर फोर हो, वैसे ये एग्जाम में आएगा तो नहीं आप लोगों के, एनडीए के अलावा, एनडीए में भी एक्सपेंशन नहीं आता, ठीक है। एनडीए में बाइनोमियल थ्योरम हम लोग अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी की पावर फोर को कैसे करूंगा मैं एक्सपेंड, देखो अब हमें फोर टॉफीज बांटनी, अब तो बहुत इजी हो गया, ए के पास फोर बी के पास जीरो,
प्लस फिर ए के पास थ्री और फिर बी के पास वन प्लस फिर ए के पास टू और बी के पास भी टू आ गई प्लस फिर ए के पास वन आ गई बी के पास थ्री आ गई प्लस फाइनली ए के पास जीरो और बी के पास फोर। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर कोफिशियंट्स जो आप ऐड कर रहे हो वो कैसे याद रखेंगे, उसका भी एक तरीका है, उसको हम लोग पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, ये 11th के बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, 11th की क्लास में, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ इसको हम कैसे याद रखते हैं, यहाँ देखना। ठीक है, अगर a प्लस बी की पावर कुछ भी हो, n सपोज n हो, तो याद रखना इस n को हम लोग बोलते हैं बेटा डिग्री या पावर या इंडेक्स। ठीक है, अगर मैं यहां पर इंडेक्स लिखूं, ठीक है, अगर यहां पर मैं इंडेक्स लिखूं, फोर तक ही बताऊंगा मैं आपको, सपोज यहां पर इंडेक्स में लिख रहा हूं, इंडेक्स जीरो भी हो सकता है, इंडेक्स वन भी हो सकता है, इंडेक्स टू भी हो सकता है, इंडेक्स थ्री भी हो सकता है, इंडेक्स फोर भी हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, कितने भी इंडेक्स हो सकते हैं। अच्छा, यहां पर मैं कोफिशियंट्स लिखूंगा बेटा, यहां पर मैं लिखूंगा कोफिशियंट्स, बहुत ईजी तरीका है कोफिशियंट्स को याद करने का, यहां पर मैं लिखूंगा कोफिशियंट्स। ठीक है, अच्छा अगर किसी की भी पावर जीरो हो बेटा, किसी की भी पावर जीरो है तो आंसर कितना आता है वन, और उसका कोफिशियंट भी कितना होगा वन, तो सबसे पहले आप वन ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जीरो इंडेक्स से रिलेटेड हो गया। अच्छा, जब आपका इंडेक्स वन होगा, सपोज ए प्लस बी की पावर वन, तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा ए प्लस बी, तो इसमें कोफिशियंट्स क्या होंगे बेटा, ए प्लस बी के कोफिशियंट्स क्या होंगे, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए प्लस बी के कोफिशियंट्स क्या होंगे बेटा, कोफिशियंट्स क्या होते हैं, कोफिशियंट्स होते हैं जो आपके पास वेरिएबल है ए और बी, इनके साथ क्या कांस्टेंट यूज किया है, तो ए के साथ क्या कांस्टेंट है, कुछ नहीं होता तो हम उसको वन मानते हैं, और बी के साथ भी कुछ नहीं है तो हम उसको वन मानते हैं, तो इसके कोफिशियंट्स क्या आ गए, वन और वन, तो मैं इस वन से पहले यहाँ पर वन लिखूंगा और इस वन के बाद यहाँ पर वन लिखूंगा। ठीक है, ऐसे। फिर जब थ्री है, सॉरी जब पावर टू है, ठीक है, जब पावर टू है तो आप वन से पहले वन लिख लीजिए पहले, ठीक है, और लास्ट में वन के बाद वन लिख लीजिए, ये चलता रहेगा आगे। अगर पावर थ्री होगी तो मैं वन से पहले वन, मतलब पहला और लास्ट कोफिशियंट तो हमेशा वन आएगा ही आएगा बेटा, और फोर्थ वाले में भी पहला कोफिशियंट वन। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर वन और लास्ट में यहाँ पर भी वन। अच्छा, अब आप बीच में ध्यान देना बेटा, नाउ व्हाट यू हैव टू मेक, नाउ यू हैव टू मेक ट्राइंगल, इसलिए इस कंसेप्ट को हम पास्कल ट्राइंगल बोलते हैं। अब जो यहाँ पर बीच में आने वाला है, ठीक है, यहाँ पर जो बीच में आने वाला है वो इन दोनों को ऐड करके आएगा, तो एक ट्राइंगल जैसा फॉर्म हो रहा है, तो वन प्लस वन कितना होता है टू, तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा टू। तो आपने देखा था कि अगर a प्लस बी की पावर टू लिखूं मैं तो उसके कोफिशियंट्स आते थे वन टू वन, आपने देखा था ना बेटा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो कोफिशियंट्स क्या है बेटा, अगर मैं ब्लू से आपको कोफिशियंट रिप्रेजेंट करूं तो ये वन कोफिशियंट है, ये टू है और फिर लास्ट में वन है, तो वन टू वन आया ना कोफिशियंट बेटा। अच्छा, क्यूब के केस में, क्यूब के केस में क्या आता है कोफिशियंट, वन थ्री थ्री वन, तो देखो कितना सिंपल हो जाएगा, आपको ये मेमोराइज रखना ऐसे, आपने बस यू हैव टू मेक वन ट्राइंगल, तो वन प्लस टू यहाँ पर आ जाएगा थ्री, यहाँ पर टू प्लस वन यहाँ पर भी आ जाएगा थ्री, और सिमिलरली जो लास्ट वाला केस है वन प्लस थ्री कोफिशियंट विल बी फोर, थ्री प्लस थ्री कोफिशियंट विल बी सिक्स एंड थ्री प्लस वन कोफिशियंट विल बी फोर, तो कोफिशियंट के आगे लास्ट के वन फोर सिक्स फोर वन, क्या आगे वन फोर सिक्स वन फोर, इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर कोफिशियंट लिखूँ तो यहाँ पर आएगा वन, यहाँ पर आएगा फोर, यहाँ पर आएगा सिक्स, यहाँ पर आएगा फोर और यहाँ पर आएगा वन, तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, ये जो मैंने ट्राइंगल फॉर्म से कोफिशियंट निकालना सिखाया है, ये इलेवेंथ में आप अच्छे से पढ़ोगे, इसका एक फॉर्मूला भी आप लोग पढ़ोगे, वहाँ पर बहुत ईजी जाएगा आप लोग में कोफिशियंट्स निकालना। ठीक है, तो अगर मैं a प्लस बी की पावर फोर का फॉर्मूला अच्छे से लिखूँ तो इसका पहला टर्म क्या आ जाएगा बेटा, पहला टर्म तो a की पावर फोर है सिर्फ, तो पहला टर्म a की पावर फोर कोफिशियंट वन है जिसको लिखना जरूरी नहीं है, दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, दूसरा टर्म आ जाएगा फोर ए क्यूब फोर ए क्यूब, तीसरा टर्म क्या आ जाएगा प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, चौथा टर्म क्या आ जाएगा, चौथा टर्म आ जाएगा फोर ए बी क्यूब फोर ए बी क्यूब। अच्छा, एक 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 चीज मिस हो गई है, सेकेंड क्या आएगा फोर ए क्यूब बी भी आएगा ना, बी विल ऑल्सो कम हियर, बी विल ऑल्सो कम, ओके, एंड व्हाट विल बी द लास्ट फिफ्थ टर्म, लास्ट आ जाएगा बी की पावर फोर, तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया ना, दिस इज माई फॉर्मूला।
ये मेरा फॉर्मूला आ गया। तो इट्स वेरी इजी, आप ऐसे कोई सभी फॉर्मूले निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो अगर मैं लास्ट में आपके लिए डायरेक्टली फॉर्मूलाज लिखूँ तो इट विल बी नाउ वेरी इजी फॉर यू ना। अगर बाय द वे ए प्लस बी है, ए प्लस बी ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा सिर्फ। अच्छा अगर यहाँ पर माइनस साइन है ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए माइनस बी हो जाएगा, वेरी सिंपल ना। कोफिशियंट्स दोनों के वन वन है तो वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो हमने कैसे टॉफी बांटनी है, ए के पास पहले टू टॉफीज, फिर टू भी आएगा और ए बी भी आएगा, ठीक है। ए के पास वन टॉफी, बी के पास वन टॉफी और फिर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अच्छा अगर यहाँ पर साइन माइनस हो गया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, अच्छा अगर ए प्लस बी का होल क्यूब है तो कोफिशियंट्स क्या थे, जब इंडेक्स थ्री है कोफिशियंट्स क्या थे, कोफिशियंट्स हमारे थे 1, 3, 3, 1, वो हमने कैलकुलेट करके भी देखे थे। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए क्यूब, ए के पास पहले थ्री टॉफीज प्लस उस वक्त बी के पास जीरो होंगी, फिर ए के पास कितने आएंगे, टू, तो थ्री आ जाएगा कोफिशियंट, ए के पास टू आएगी टॉफीज और बी के पास वन, प्लस फिर थ्री कोफिशियंट्स, ए के पास एक, बी के पास टू और प्लस फिर यहाँ पर वन कोफिशियंट, बी के पास थ्री टॉफीज। और अगर यहीं पर साइन क्या हो गया आपका, माइनस, तो आपको भी कुछ नहीं करना, पहला प्लस दूसरा माइनस, प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो ये जो आपने टोटल सिक्स फॉर्मूलाज देखे, बेसिकली फोर फॉर्मूलाज, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही दो फॉर्मूलेज यूज करने के लिए आएंगे, तो इट्स वेरी इजी टू मेमोराइज, आपको रटने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। यू डोंट हैव टू मग अप दिस फॉर्मूलाज, इट्स वेरी इजी। आरआईएमसी के लिए खासकर फैक्टराइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके अलावा कुछ और आइडेंटिटीज हैं जो हम देखेंगे। अच्छा कुछ एक नोट मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने अगर नोटिस किया हो, आप अगर यहाँ पर पावर देखेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी की पावर कितनी थी, वन, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बेटा, दो टर्म्स है ना, दो टर्म्स है। यहाँ पर पावर कितनी है, टू है, तो कितने टर्म्स आए, यहाँ पर थ्री टर्म्स आए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। अगर पावर थ्री है तो कितने टर्म्स आएंगे, चार टर्म्स, वन टू थ्री फोर। और उसी तरीके से अगर पावर फोर होगी तो फाइव टर्म्स, पावर सिक्स होगी तो सेवन टर्म्स। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स पावर से एक ज्यादा आते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। सो द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज वन, इज ऑलवेज वन मोर देन द पावर, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, इन बाइनोमियल भी लिखता हूं मैं बेटा, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बाइनोमियल, ठीक है। ये सिर्फ बाइनोमियल के केस में, अगर a प्लस बी प्लस सी की पावर अगर कुछ पूछी जाए तो यहाँ पर आप टॉफी बांटने वाला फंडा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाइनोमियल नहीं है, ये बाइनोमियल नहीं है, ये तो ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल नहीं है, ठीक है। ओके, अब कुछ और आइडेंटिटीज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं बेटा। ये जो नेक्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और बहुत ईजी है याद रखना, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, ओके, ठीक है, दिस आइडेंटिटीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा a माइनस बी, अगर a की पावर 1, b की पावर 1 है तो दैट इज नथिंग बट a माइनस बी ओनली, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी ओनली। अच्छा अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये मैं माइनस वाली आइडेंटिटीज करा रहा हूँ आपको, ठीक है, पहले फिर प्लस वाली करेंगे। अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी नथिंग बट, ये आपने पढ़ा होगा बेटा, a माइनस b इंटू a प्लस b, इसी को हम फैक्टर्स भी कहते हैं, समथिंग इंटू समथिंग। ओके, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ लिया तो, अच्छा अगर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 पूछ लिया तो, ए की पावर 5 सिमिलरली माइनस बी की पावर 5, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, ए की पावर 7 माइनस बी की पावर 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, बहुत ईजी है। आपने एक चीज़ तो ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप ऐसा एक्सप्रेशन देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमेशा याद रखना पहला फैक्टर इसका ए माइनस बी होगा हर के केस में, ए माइनस बी, ठीक है। और ये शुरू से चले आ रहा है, यहाँ पर भी आपने ए माइनस बी देखा, फिर ए माइनस बी और ये चला आ रहा है नीचे, ठीक है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अच्छा जो दूसरा टर्म है, यहाँ पर तो कोई टर्म नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ ए माइनस बी है, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पहला टर्म ए माइनस बी है, दूसरा जो भी टर्म है वो पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब उसके सारे टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है।
तो रिमेनिंग भी सारे टर्म्स के आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे। लेकिन अब आपने क्या याद रखना है, अच्छा टॉफी बांटने वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आपने क्या करा, ए माइनस बी यहाँ लिख दिया तो एक टॉफी तो यहाँ बढ़ गई, रिमेनिंग एक बची। एक आप कैसे बांटोगे, ऐसे तो बांटोगे, एक टॉफी कैसे बांटोगे, ए के पास वन थी और बी के पास जीरो, प्लस फिर ए ने एक टॉफी दी तो ए के पास जीरो बची और बी के पास वन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए प्लस बी तो आएगा, ए की पावर वन इज ए, बी की पावर जीरो तो वन होता है, उसी तरह प्लस ए की पावर जीरो विल बी वन, बी की पावर वन इज बी, तो ए प्लस बी आ गया। अच्छा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी यहाँ आ गया, मतलब एक टॉफी तो यहाँ कंज्यूम हो गई, रिमेनिंग कितनी बची, दो टॉफीज। तो मुझे यहाँ डब्बे में क्या लिखनी है, दो टॉफीज, और यहाँ पर कोफिशिएंट वाला कोई फंडा नहीं है बेटा, आपको सिर्फ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो कितना ईजी है, दो टॉफीज बांटनी मुझे, तो ए के पास पहले दो टॉफीज आ गई और उस वक्त बी के पास कितनी होगी, जीरो, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ बेटा, ठीक है, क्योंकि बी के पास जीरो इज वन, प्लस अब ए के पास कितनी जाएगी वन, तो ए की पावर वन भी नहीं लिख रहा हूँ मैं, ए की पावर वन ए ही होता है, और यहाँ पर बी के पास भी एक टॉफी आ जाएगी, बी की पावर वन भी बी होता है, प्लस ए के पास फिर जीरो बची और बी के पास टू, तो ए की पावर जीरो नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि वो वन होता है, बी की पावर टू लिख रहा हूँ। सी कितना ईजी है टॉफी बांटना। अच्छा अगर ये ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर वाला केस हो तो एक टॉफी तो यहाँ आ गई, ए माइनस बी में कंज्यूम हो गई, रिमेनिंग कितनी टॉफीज बची, थ्री टॉफीज, तो थ्री टॉफीज कैसे बांटेंगे हम, ए की पावर थ्री प्लस, ठीक है, अब ए के पास दो टॉफीज, फिर बी के पास वन, प्लस फिर ए के पास एक टॉफी, बी के पास दो टॉफीज, और फाइनली बी के पास कितनी टॉफीज पहुंच गई, थ्री। सो सिंपल ना, और कोई कोफिशियंट का कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, तो यू डोंट हैव टू पुट कोफिशियंट्स हियर, ठीक है, इन एक्सप्रेशंस में आपको कोफिशियंट्स नहीं डालने। अच्छा ए की पावर फाइव माइनस बी की पावर फाइव, एक टॉफी तो यहाँ कंज्यूम हो गई, रिमेनिंग बची फोर टॉफीज, तो फोर कैसे बांटोगे, ए की पावर फोर और बी के पास उस समय जीरो, तो फिर ए के पास एक कम थ्री, बी के पास एक आ गई, ए के पास एक और कम टू हो गई, बी के पास टू आ गई, एक एक कम हो रहा है, बी एक एक बढ़ रहा है। ए ने शुरुआत किससे करी, मैक्सिमम टॉफिस से, उस वक्त बी के पास जीरो थी और लास्ट में मैक्सिमम टॉफिस किसके पास पहुंच गई, बी के पास, दैट्स इट। तो ए के पास टू, बी के पास टू, फिर ए के पास वन, बी के पास थ्री, और फाइनली बी के पास सारी टॉफिस फोर की फोर पहुंच गई, पहले ए के पास फोर थी, लास्ट में बी के पास फोर हो गई। अच्छा ए की पावर सिक्स माइनस बी की पावर सिक्स में ए माइनस बी, मतलब एक टॉफी तो यहाँ कंज्यूम हो गई, बाकी बची फाइव टॉफिस, तो कैसे बांटूंगा, ए की पावर फाइव। अच्छा फाइव टॉफिस बांटनी है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, सिक्स, वो हमने देखा इससे पहले वाले उसमें पार्ट में, ठीक है। तो अगर पावर कितनी है आपके पास, पावर अगर फोर है तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइव आएंगे, पावर अगर सिक्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स सेवन आएंगे। तो वैसे यहाँ पर अच्छा ए की पावर सिक्स है और बी की पावर सिक्स है, लेकिन ये बाइनोमियल वाला केस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करा, ए माइनस बी टर्म्स तो सभी में आ रहे हैं, रिमेनिंग में आपने टॉफिस बांटनी है, तो ए माइनस बी में एक टॉफी तो यहाँ कंज्यूम हो गई, रिमेनिंग बची फाइव, फाइव टॉफिस का मतलब है सिक्स टर्म्स आएंगे, लेकिन टॉफिस कैसे बांटनी है, इट्स वेरी इजी, ए को फाइव दी, फिर ए के पास फोर बची, इस वक्त बी के पास एक आ गई, फिर ए के पास थ्री और बी के पास उस समय टू आ गई, फिर ए के पास एक कम टू और बी के पास एक बढ़ गई थ्री, फिर ए के पास वन, बी के पास फोर आ गए, और फाइनली बी के पास फाइव, फाइव की फाइव टॉफीज आ गई, ठीक है। ऐसे आप कितना भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, मैं ए की पावर सेवन माइनस बी की पावर सेवन तक कर रहा हूँ। तो ए माइनस बी, एक टॉफी यहाँ हो गई, बची छः, तो ए की पावर सिक्स प्लस ए की पावर फाइव, और यहाँ पर बी, बी के पास एक टॉफी प्लस ए के पास फोर, बी के पास टू प्लस ए के पास थ्री और बी के पास भी थ्री प्लस ए के पास टू, ए के पास एक एक कम हो रही है और बी के पास एक एक बढ़ रही है बेटा, प्लस ए के पास वन और बी के पास फाइव, प्लस ए के पास जीरो, ए के पास जीरो मतलब वन और बी के पास सिक्स, मैक्सिमम टॉफिस आ गई, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सेट ऑफ फॉर्मुलेज हैं, इनको बेटा लिख लेना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, ठीक है। और ये टॉफीज बांटने वाला फंडा याद रखना, सो यू डोंट हैव टू मग अप, आपको ये रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी इन आइडेंटिटीज को, ठीक है। दिस आर फ्यू इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो हमने सीखी है, ऐसा आप कितने भी आगे बना सकते हो, वेरी सिंपल, ठीक है। एक और सेट ऑफ आइडेंटिटीज हैं जो हमने अभी माइनस में देखी, वही प्लस में, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी इज गिवन टू यू, तो आप इसको ए प्लस बी के जैसे ही लिखेंगे ना, दिस इज नथिंग बट ए की पावर वन प्लस बी की पावर वन, इससे पहले हमने माइनस वाले में देखा था। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूँगा तो यू हैव टू रिमेंबर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं है जिस फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं,
बुक्स में तो आपको बहुत सारे फॉर्मुलेस दिए होंगे और वो ड्राइव करे होंगे, जैसे हमने अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का देखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो वहाँ से हम एक फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फैक्टराइजेशन समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्मूले, यू विल नॉट फाइंड एनी फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पर भी आपने इतना याद रखना है कि ए प्लस बी विल बी योर फर्स्ट टर्म, इसमें भी ए प्लस बी था। अच्छा, अगर ए की पावर फोर, सिमिलरली पहले की तरह ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर है तो योर फर्स्ट टर्म विल बी ए प्लस बी, वहां पर फर्स्ट टर्म ए माइनस बी था, यहाँ पर प्लस है बस। और ए की पावर फाइव प्लस बी की पावर फाइव, वट विल बी योर फर्स्ट टर्म, अगेन ए प्लस बी। अच्छा, ए की पावर सिक्स प्लस बी की पावर सिक्स, वट विल बी योर फर्स्ट टर्म, ए प्लस बी, बस इतना ही करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई नहीं है फंडा, समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म में या फैक्टराइज के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी इज द फर्स्ट टर्म। अच्छा, रिमेनिंग अब टॉफिस बची, दो टॉफिस बची, अब जो दो टॉफिस आपको बांटनी है बेटा, उसमें आपने ऑल्टरनेटली साइन चेंज करना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। वहां पर क्या था, वहां पर जो सेकेंड पोर्शन था वहां पर सारे सारे टर्म्स पॉजिटिव थे, यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो तीन टॉफिस है, एक तो यहाँ बट गई, रिमेनिंग बची दो टॉफिस, कैसे बांटोगे दो टॉफिस, ए के पास दो आ गई, ठीक है, और उसके उस वक्त बी के पास जीरो होंगी, फिर माइनस, दूसरा साइन माइनस बेटा, पहला प्लस दूसरा माइनस, ए के पास एक आ गई, बी के पास भी एक आ गई, फिर प्लस, और फाइनली ए के पास जीरो और बी के पास दो टॉफिस आ गई। तो साइन का थोड़ा सा बेटा आपने ध्यान रखना है, ऑल्टरनेट वे में यू विल चेंज द साइन, नथिंग एल्स। अच्छा, ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर में पहला टर्म ए प्लस बी एंड इनटू जो मेरा दूसरा टर्म है, उसमें क्या होगा, तीन टॉफिस बटेंगे, कैसे बटेंगे, ए के पास पहले तीन टॉफिस, दूसरा माइनस, ए के पास दो, बी के पास एक, फिर प्लस, ए के पास कम हो गई तो ए के पास वन हो जाएगी और बी के पास एक बढ़ जाएगी टू, और फिर लास्ट वाला माइनस, और लास्ट वाला क्या जाएगा, सिर्फ बी के पास थ्री टॉफिस, ठीक है। तो बी के पास एक एक टॉफिस बढ़ी, ए के पास एक एक कम हुई, ठीक है। तो और साइन देखो, साइन क्या है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऑल्टरनेट वे में साइन चेंज करना है। यहाँ पर क्या होगा, ए की पावर फाइव प्लस बी की पावर फाइव में ए प्लस बी आ गया, तो यहाँ पर एक टॉफी बढ़ गई, बची कितनी, चार। तो चार टॉफीज कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वेरी इजी, पहले ए को हम लोग फोर टॉफीज देंगे, इस वक्त बी के पास जीरो होगी, तो माइनस, फिर ए के पास तीन बची, ए ने टॉफी बी को दे दी, फिर प्लस, ए के पास दो बची, उसने क्योंकि दो टॉफीज बी को दे दी, फिर माइनस, ए के पास एक बची और बी के पास तीन आ गई, फिर प्लस, बी के पास फोर टॉफिस आ गई, ठीक है। अच्छा, फाइनली लास्ट में ए की पावर सिक्स प्लस बी की पावर सिक्स में पहला टर्म ए प्लस बी, एक टॉफी यहाँ पर कंज्यूम हो चुकी है, बची पांच, कैसे बांटेंगे, बहुत इजी, ए की पावर फाइव पहला टर्म पॉजिटिव आ गया, दूसरा नेगेटिव, ए की पावर फोर बी की पावर वन, अभी बी को एक टॉफी मिली है, प्लस ए की पावर थ्री बी की पावर टू, माइनस ए की पावर टू बी की पावर थ्री, प्लस ए की पावर वन एंड बी की पावर फोर, एंड लास्ट टर्म विल बी माइनस बी की पावर फाइव। सो सिंपल, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर आइडेंटिटीज वाला सेक्शन बेटा, ठीक है। आइडेंटिटीज को मेमोराइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, खासकर एट्थ के बच्चे जो आर एन सी का एग्जाम देते हैं, क्योंकि उसका एडमिशन क्लास एट्थ में होता है, तो ये एट्थ के बच्चे नहीं है, सिक्स सेवन्थ वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फॉर सैनिक स्कूल्स एंड ऑल। उसके अलावा NDA, CDS, FCAT, CAPF, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, UPSC के हायर जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पर भी ये आपके बेटा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा आपने देखा कितने ईजिली हम लोग आइडेंटिटीज को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करना अच्छे से, क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त देखना, और आपको धीरे धीरे सारे जो टेक्निक्स हैं ये आ जाएंगे, और ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट टिल नेक्स्ट वीडियो।